नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। पश्चिम बंगाल में मोदी के मंत्री की पिटाई हो गई। दरअसल केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री आसनसोल से भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर जादवपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। नक्सल समर्पित वामपंथी छात्रों ने केंद्रीय मंत्री के साथ धक्का मुक्की की और बदसलूकी की और उनका घेराव किया। सुप्रियो का बचाव करने राज्यपाल पहुंचे। राज्यपाल जगदीप धाकड़ का भी छात्रों ने घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। राज्यपाल ने घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और पूरी स्थिति पर चिंता जताई। घटना से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने जादवपुर विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर तांडव मचाया, यूनियन रूम में तोड़फोड़ की, आगजनी भी की। 6 घंटे तक बवाल चलता रहा। रात 8:30 बजे के करीब भारी सुरक्षा में राज्यपाल बाबुल सुप्रियो को लेकर विश्वविद्यालय परिसर से बाहर निकले। विश्वविद्यालय में हंगामे की शुरुआत दोपहर 2:30 बजे हुई। इस समय बाबुल सुप्रियो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जादवपुर विश्वविद्यालय पहुंचे। जैसे ही बाबुल सुप्रियो विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे, छात्रों के एक समूह ने उन पर हमला बोल दिया। छात्रों ने पहले गो बैक के नारे लगाए और उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। हमलावर छात्र उनका कॉलर पकड़कर बाहर खींचने लगे। अंगरक्षकों ने विरोध किया तो धुर वामपंथी विचारधारा वाले हमलावर छात्र उन पर भी टूट पड़े। धक्का मुक्की में केंद्रीय मंत्री जमीन पर गिर पड़े, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया। वहीं बाबुल सुप्रियो का कहना है कि कैंपस में प्रवेश करते ही कुछ छात्रों ने उनके साथ बदसलूकी की, कुछ शरारती तत्वों ने उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट तक की, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई अग्निमित्रा पॉल को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। बाबुल के साथ अग्निमित्रा पॉल ने भी आरोप लगाया कि छात्रों ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया, धक्का मुक्की की और खींचतान के बीच वो काफ़ी दहशत में आ गई। तो ममता बनर्जी के राज में अब केंद्रीय मंत्री भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भी मारपीट की जा रही है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।